भाई राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे खस्ता चिरोटे। ये देखिए, खस्ता चिरोटे इस तरह बनते हैं। ये छोटे साइज के बनते हैं। जो खाजा होता है इसको भी चिरोटे कहा जाता है। खाजा बड़े साइज के बनते हैं और चिरोटे थोड़े छोटे साइज के बनते हैं। तो आज हम छोटी क्वांटिटी में बनाएंगे चिरोटे। तो उसके लिए हमने एक थाल में मैदा ऐड किया है, जो कि 2 कप मैदा है, वजन में 300 ग्राम है। इसमें हमने 1 पिंच नमक ऐड किया है। इससे मीठे का स्वाद जो होता है वो थोड़ा उभर के आता है। तो हम बनाएंगे आज चिरोटे, वो भी छोटी क्वांटिटी में। इसमें 1/2 कप हमने घी गरम करके ऐड किया है। यहाँ आप आयल भी यूज़ कर सकते हो और शुद्ध घी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ हमने वनस्पति घी को गरम करके तब ऐड किया है और हाथों से इस तरह मैश कर लेंगे मैदे में। ये देखिए, ये थोड़ी सी पोटली सी जब बनने लगती है मैश करने के बाद, तो बस हमारा ये परफेक्ट है। हम चिरोटे खस्ता बनाएंगे, तो खस्ते के लिए हमने 1/2 कप घी ऐड किया है, मतलब 125 ml घी इसमें ऐड किया है, या आप 125 ग्राम समझिए। तो ये हमने 125 ग्राम घी इसमें ऐड किया है। और यहाँ हमने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इस तरह मैदा हमने सॉफ्ट तैयार कर दिया। ये देखिए, ये ज़्यादा ना मुलायम है और ना ही ज़्यादा ये टाइट है। इस तरह का मैदा हमने तैयार कर दिया है। पानी हमारा 1 कप नहीं लगता है, थोड़ा सा बच जाता है, मतलब 50 ml पानी इसमें बच जाता है। हमारा कप में सिर्फ 200 ml पानी लगा है इस 2 कप मैदे में। अब ये मैदा हमारा तैयार हो गया है। अच्छी तरह मैश कर लेते हैं, फिर इसको हम एक लिफाफे में रख देते हैं। लिफाफे में जो होता है मैदा पूरी तरह सेट हो जाता है। इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगती, ना ही ये सूखता है, ना ही इसके ऊपर सिकड़ी आती है। तो यहाँ मैदा हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब हम बनाएंगे चाशनी। मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक कढ़ाही रखा है, इसमें हमने 1 कप पानी ऐड किया है, मतलब 250 ml पानी ऐड किया है, और इसमें हम 2 कप शुगर ऐड करेंगे, मतलब इसमें हम 500 ग्राम शुगर ऐड करेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो इस तरह चाशनी हमारी थोड़ी देर बाद गर्म होकर और उबल जाती है और चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह उबाला आ गया। अब इसको हम 2 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद ये चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा केसर हम ऐड कर देंगे, जिससे इसका कलर केसरिये भी हो जाता है। और इसको सिर्फ हम चिपचिपी सी बना लेते हैं, इसमें कोई तार नहीं चाहिए। इस तरह चिपचिप करती हो तो बस चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह चाशनी हमने कंप्लीट करके रख दिया है। अब यहाँ देखिए, ये मैदा हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है। ये कम से कम हमारा 15-20 मिनट रेस्ट ले लिया। अब ये लिफाफे में मैदा पूरी तरह सेट हो जाता है। अब ये देखिए, इस तरह लंबा सा रोल बना लेंगे और इसकी हम पेड़ियाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह जितनी पेड़ियाँ बनती हैं उतनी पेड़ियाँ हम तोड़ के पहले तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह 2 पेड़ी हमने तैयार किया। उसके बाद हम सारा तोड़ के 10 पेड़ी बना लेते हैं। ये देखिए, 10 पेड़ी बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक पे एक पेड़ी हम गोल साइज रोटी जैसा बेलेंगे। अब इसको पतली लेयर वाली बेलनी है, पूरी पतली। आप जितने पतले कर सकते हैं उतनी पतली आप इसको अच्छी तरह बेल दीजिए। ये देखिए, बस इसी तरह हम सारी पेड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारी सारी पेड़ियाँ जब तैयार हो जाती है तब हम बनाते हैं चिरोटे। तो ये हमने 10 पेड़ियाँ बेल के तैयार कर दिया, मतलब हमारी 10 रोटी जैसी पतली लेयर वाली शीट बन के तैयार होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग रखते हैं। अब एक एक शीट को हम नीचे रख के और इसके ऊपर हम आयल से लेप करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, इस तरह हम एक शीट रख लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आयल डाल देंगे। ये देखिए, चम्मच से बस थोड़ा सा इस पर आयल डालना, इसको हाथों से लेप कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह जब ये लेप हो जाता है तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी शीट रख लेंगे। अब यहाँ हम दूसरी शीट इसके ऊपर रख लेंगे। इसको रोटी भी कह सकते हो या आप मैदे की शीट भी कह सकते हो। तब इस तरह हम इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे, क्योंकि घी से ये चिपकता नहीं है, इसमें एक लेयर बनती है। तो इस तरह हम इसको नीचे ऊपर रख के और चिपकाते जाएंगे। दोबारा फिर हमने थोड़ा सा आयल डाल दिया और इसके ऊपर मैदा डाल के फिर तीसरी हम इस तरह शीट रख देंगे। तो बस इसी तरह हम 5 रोटी जैसा शीट इकट्ठा हम इस तरह रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक रोल सा बना लेंगे। तो यहाँ 3 शीट हमने रख दी है, अब चौथी भी रख लेंगे और 5वीं भी रख लेंगे। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। तो
तो इस तरह हमने पांच रोटी जैसा शीट रख दिया है, अच्छी तरह चिपका दिया है। अब इस तरह हम इसको रोल बना लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा टाइट रोल करना होता है जिससे अंदर हवा ना हो और अच्छी तरह ये रोल टाइट सा बन जाए, तब इसको काटने में आसानी होगी। इसको काटना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम इसको टाइट रोल बना लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ तक हमने तो रोल कर दिया। अब इसको साइड में चिपकाना भी होता है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा पानी लगा के और इसको अच्छी तरह चिपका दिया है। पानी लगाना एंड में ज़रूरी होता है जिससे अच्छी तरह ये चिपक जाए। अब जो हम दूसरी रोल बनाएंगे वैसे हम चिपकाएंगे नहीं, पानी से नहीं चिपकाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे कि इसके साइडें जो लेयर होती है ये बिखर भी जाती है। तो एक रोल तो हमने अच्छी तरह पानी से चिपका दिया है और दूसरा रोल हम जो बनाएंगे उसको हम नहीं चिपकाएंगे। तो इस तरह ये देखिए, इसको पीसेज कट करके और इसको थोड़ा सा फिंगर से इस तरह फ्लैट भी कर लेंगे साइडें। ये देखिए, इस तरह हम थोड़ा सा आकार बना लेंगे चिरोटे का। ये देखिए, बीच में पूरी लेयर दिखाई दे रही है, तो इस तरह हम बना लेते हैं। अब यहाँ एक रोल हमने कट कर दिया है, इस तरह हमारे पीसेज बन जाते हैं। अब दूसरा रोल जो हम बनाएंगे इसमें हम चिपकाएंगे, थोड़ा सा साइड में नहीं चिपकाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि ये साइड हमारा कैसे साइडें से निकलता है, ऐसे जो लेयर होती है वो खुल जाती है। तो अगर हम पानी से चिपका देते हैं तो लेयर नहीं खुलती है। तो ये एक रोल को हमने नहीं चिपकाया है, बाकी दूसरा रोल हमने चिपका दिया है। अब यहाँ हमने सिर्फ वनस्पति घी लिया है और इस तरह जब ये हल्का सा गर्म कर लेते हैं तब इस तरह हम अपना बैच डाल देते हैं। बस घी हमारा जो आयल है या घी है जिसमें आप फ्राई करते हो, ये बहुत कम गर्म होना चाहिए, तब ये हमारी लेयर पूरी तरह खुलती है। अगर ये ज़्यादा गर्म होगी तो इसकी पूरी लेयर नहीं खुलेगी और ये खस्ता भी नहीं रहेगा। तो इस तरह ये फूल फूल के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ देखिए, कुछ ऐसे चिरोटे हैं जो साइडों से ये फट रहे हैं, जिसकी लेयर निकल रही है, मतलब जो हमारे अच्छी तरह हमने रोल नहीं चिपकाया है वो साइडें से इसकी लेयर निकल जाती है। अगर अच्छी तरह आप चिपका दोगे पानी से तो ये ऊपर से ये लेयर जो फैल रही है ये नहीं निकलेगी। तो इस तरह हमने इसको कम से कम 15 मिनट हमने ब्राउन किया है। जब अच्छी तरह ये पक जाता है, पूरी लेयर भी अंदर से जब पक जाए, तो उठा के इसको चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी हमने पहले बना के रख लिया है और इस तरह चाशनी में डाल देते हैं, जिससे चाशनी हमारी लेयर के बीच में भर जाती है और ये हमारे चिरोटे पूरे टेस्टी बन जाते हैं। ये एक जो खाजा होता है इसके ऊपर जमा हुआ चाशनी होती है, लेकिन ये चिरोटे में ऐसा होता है, ये थोड़े हम चाशनी चिपचिपी से रखते हैं, ज़्यादा जमने वाली नहीं रखते हैं, और इसके लेयर के बीच में पूरी चाशनी अच्छी तरह भर जाती है और पूरी टेस्टी ये चिरोटे हमारे बन जाते हैं। जो खाजा होता है वो बड़े लेयर का होता है, बड़े साइज का होता है, और उसमें ज़्यादा चाशनी जमाई हुई दिखाई देती है, और चिरोटे में हम इस तरह चाशनी थोड़ी रसीली रखते हैं जिससे चिरोटे हमारे पूरी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह चिरोटे आप भी आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, पूरी लेयर अंदर से पकी हुई है और इसमें हमारी चाशनी भरी हुई है। तो इस तरह के चिरोटे आप भी आसानी से बना सकते हो। बस ये आपको ध्यान रहे, रोल बनाते समय आपको एंड में अच्छी तरह पानी से चिपका देना होता है। अगर पानी से नहीं चिपकाएंगे तो हमारे पूरे लेयर बिखर जाएंगे। तो इस तरह पतले लेयर की चिरोटे बनके तैयार है। आप भी आसानी से अपने घर में इस तरह छोटी क्वांटिटी में आप बना सकते हो। और यहाँ मेरा शॉप है, इस शॉप पे हमारा बोर्ड में नंबर भी दिया रहता है, आप हमें संपर्क भी कर सकते हो।